नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा एमपी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसकी तरफ से जो है इस साल के लिए जो है कहीं ना कहीं 2021-22 के लिए जो सिलेबस है सेमेस्टर वन एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन 2019-20 का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं यही सिलेबस रिपीट करके दे दिया गया है। एमए सेमेस्टर वन इंग्लिश लिटरेचर पेपर वन पोएट्री की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपके 42 रहने वाले हैं और उसके साथ ही साथ जो है सीसीई के मार्क्स आपके 8 मार्क्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट वन की। यूनिट वन में आपका एनोटेशंस रहेगा। एनोटेशन में आपको क्या लिखना होगा, एनी टू आउट ऑफ फोर गिवन पैसेजेस। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में चार पैसेजेस दिए रहेंगे, ठीक है, उनमें से कोई भी दो जो आपसे बहुत ही अच्छे से बनते हैं, जिनका ट्रांसलेट आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जिनको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, उनको सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा और उन दोनों को जो है आप लिख दीजिएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों को लिखना है, एनी टू आउट ऑफ फोर गिवन पैसेजेस, साथ ही साथ में एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच यूनिट। कहीं ना कहीं जो है आपको प्रत्येक यूनिट से एक पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर और यूनिट फाइव ये दी गई है तो इसमें यूनिट वन में आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं इनकी पोएम्स जो है वहीं से आपको जो है पैसेज आएगा और उन्हीं में से आपको चार में से कोई दो आपको करना होगा। तो अब बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की, ये है इपिक पोएट्री। इपिक पोएट्री में जो है आपका जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट वन बुक दी गई है। बुक वन है ये, ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन सिलेबस में केवल पैराडाइज लोस्ट वन की केवल एक ही बुक है, ठीक है, बुक वन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा ये लिखी गई है, अब जॉन मिल्टन के द्वारा इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में वाल्मीकि की रामायण है तो इसको भी आप देख लीजिएगा, सुंदरकांड क्या है ये, है ना। उसके बाद में बात करते हैं हम नैरेटिव पोइट्री की। तो नैरेटिव पोइट्री में जो है कहीं ना कहीं जॉफ्रे चोशर के लिखा गया है कि द प्रोलॉग टू द कंटरवरी टेल्स, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके बनते हैं, द प्रोलॉग टू द कंटरवरी टेल्स। उसके बाद में जो है एसटी कॉलेरिज का यहाँ पर लिखा गया है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ में हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। तो रेनेसेंस पोइट्री यहाँ पर दी गई है, रेनेसेंस, है ना। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर से जो है 23rd, 24th, 26th, 27th, 31st, 44th यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको 6 सोनेट्स दिए गए हैं तो इन 6 सोनेट्स को आप जो है बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। यह जो है जॉन डोने का जो है यहाँ पर द एक्सटेसी और साथ ही साथ में अ बेलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, तो ये दोनों आप कंप्लीट कर सकते हैं। छोटी छोटी सी पोयम है जॉन डोने की, द एक्सटेसी और जो है अ बेलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। साथ ही साथ में बात करते हैं नेक्स्ट द गुड मोरो। द गुड मोरो जो है और लव्स अकेमी, जो भी कहीं ना कहीं अकेमी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, और द कैनोनीजेशन और द एनिवर्सरी, तो ये सभी आप जॉन डोने की छोटी छोटी पोएम्स हैं इनको कवर कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या जो है विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को ज़रूर कवर कीजिएगा। अब जो है फिफ्थ यूनिट की बात करें तो जो है सेटेरिकल पोइट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें जॉन ड्राइडन की बात करें तो जॉन ड्राइडन का एब्सोल्म्स एंड एचिपोफेल है ना, और साथ ही साथ में अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो द रेप ऑफ द लुक, तो द रेप ऑफ द लुक ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा अलेक्जेंडर पोप का, और जो है जॉन ड्राइडन की भी है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपका पोएट्री कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ड्रामा की बात करें, पेपर सेकेंड होता है ड्रामा, तो ड्रामा में भी एनोटेशन ठीक उसी प्रकार से जो है आपको प्रत्येक यूनिट से एक पैसेज आएगा, आपको कोई दो पैसेज कंप्लीट करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर नॉन इंग्लिश ड्रामा में सोफोकल्स का ऑडिपस रेक्स दिया गया है, साथ ही साथ में कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम दिया गया है जो कि ट्रांसलेशन है जो है साहित्य अकादमी के द्वारा। अब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें तो हेमलेट और किंग लियर है, तो आप ये देख सकते हैं शेक्सपियर की हेमलेट और साथ ही साथ में किंग लियर, है ना। उसी के बाद में फोर्थ यूनिट में अदर शेक्सपियरियन प्लेस है जैसे ट्वेल्फ नाइट और द टेम्पेस्ट, ये भी बहुत अच्छे जो है प्ले हैं। और रेनेसेंस ड्रामा की बात करें जिसे नॉन शेक्सपियरियन कहते हैं, तो इसमें क्रिस्टोफर मार्लो का जो है
है ना, हो जाएगा जो है डॉक्टर फोस्टस, और जो है बेन जॉनसन का हो जाएगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में थर्ड पेपर फिक्शन का होगा, यह भी इसमें भी मार्क्स सेम उसी तरह से रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पैसेज नहीं आएगा, ईयरली प्रोस नेरेटिव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें बानाभट्ट की कादंबरी कंटरवर्स का जो है जॉन क्विटी देखने को मिल जाएगा। कंटरवर्स का जॉन क्विटी जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी होता है। उसके बाद में जो है पी के आर स्क्यू नॉवेल्स की बात करें तो हेनरी फील्डिंग का टॉम जॉन जरूर कीजिएगा, और डेनियल डिफोए का रॉबिन्सन क्रूसो आप देख लीजिएगा। और हिस्टोरिकल नॉवेल की बात करें तो इसमें बटलर स्कॉट का जो है कैनिलवर्थ, और साथ ही साथ में जो है टेकरे का जो है कहीं ना कहीं हेनरी ऑस्मंड भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ में इसमें फिक्शन बाय वुमेन्स, जो वुमेन्स है उनके द्वारा जो फिक्शन लिखा गया है वो है जॉर्ज इलियट, तो जॉर्ज इलियट का जो है द मिल ऑन द फ्लॉस, और साथ ही साथ में एमिली ब्रोंटे का भी जो है जेन आयर देख लीजिएगा। और 19th सेंचुरी रियलिस्टिक नॉवेल में भी आपका चार्ल्स डिकन का ग्रेट एक्सपेक्टेशन और जोला का नाना आ जाएगा। उसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोस की, तो प्रोस में आपको एनोटेशन ठीक उसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। बायोग्राफिक एंड ऑटोबायोग्राफिक में जो है जेएल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी आपको देखना है, और कमला दास की माई स्टोरी आपको फोर्थ चैप्टर कम्प्लीट करना है शुरू के। साथ ही साथ में पॉलिटिकल एंड सोशल राइटिंग्स की बात करें तो प्लेटो का द रिपब्लिक और बुक सेकेंड आप इसको देख लीजिएगा फर्स्ट फोर्थ चैप्टर, और साथ ही साथ में बेकन का ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडी, ऑफ रिवेंज और ऑफ लव, जो कि बहुत ईजी आपको यहाँ पर प्रोस में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फिलोसोफिकल राइटिंग्स की बात करें तो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा जो लिखी गई है ना, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एक्शंस एंड आइडिया, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट आर वी सीकिंग, तो इसे तो देखना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये फिलोसोफी कल राइटिंग्स आपकी हो जाती है। और लाला हरदयाल का इंटेलेक्चुअल कल्चर, साथ ही साथ में बर्ट्रेंड रसल का ट्रू स्टोरी, और विलियम हैजलिट का द इग्नोरेंस ऑफ द लर्निंग एंड द इंडियन जगलर्स, तो इसे आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपका जो है पूरे फोर पेपर हो जाते हैं, जो कि आपका प्रोस और फिक्शन, ड्रामा एंड पोएट्री होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके 15-15 मार्क्स के होंगे फोर पेपर्स, तो आपके टोटल 200 मार्क्स होंगे सेमेस्टर वन में। इसी तरह से सेमेस्टर टू में भी यही सब्जेक्ट होने वाले हैं और 200 मार्क्स के होने वाले हैं, फिर सेमेस्टर थर्ड, फिर सेमेस्टर फोर होंगे। तो आई होप कि आपको सेमेस्टर वन MA इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिएगा मित्रों, फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।